हेलो एवरीवन, एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमाइंस। एमाइंस का बेहतरीन अध्ययन आज की क्लास में आप जानेंगे। एमाइंस क्या होते हैं, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन होता है, इसके अलावा उनकी प्रिपरेशन मेथड्स, किस तरह से उनका प्रिपरेशन किया जाता है, ये आज के पूरे कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल जो हमारा एचडी केमिस्ट्री चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं एमाइंस जी। तो आज हमें पढ़ना है भैया एमाइंस के बारे में। एमाइंस यानी एमीन भी कहते हैं आप इसे हिंदी में। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है ये, और इनको एमाइंस को हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, क्योंकि अमोनिया में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु से तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं NH3 यानी अमोनिया। तो भैया अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अमोनिया में तीन हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएं तो एमीन बन जाता है। अब तीन हाइड्रोजन का मतलब पहले एक हाइड्रोजन विस्थापित हो तो आपका प्राथमिक एमीन बनता है, दो हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं तो द्वितीयक एमीन बनता है, तीन हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं तो तृतीयक एमीन बनता है। तो अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जब एल्किल या एरिल समूहों से विस्थापित हो जाते हैं तो एमीन्स बनते हैं। अब अगर ये हाइड्रोजन एल्किल समूह से विस्थापित होते हैं तो हम उसे एलिफैटिक एमीन यानी एल्किल एमीन कहते हैं, और अगर यही हाइड्रोजन एरिल समूह से विस्थापित होते हैं तो हम उसे एरोमेटिक एमीन या एरिल एमीन कहते हैं, राइट। तो अब सपोज डेट, देखिए ये आपका अमोनिया है NH3। अब मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो जाए और एक एल्किल जुड़ जाए तो भैया बन जाएगा RNH2। ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट डिग्री एमाइन, मतलब प्राथमिक एमीन। इसी तरह भैया अगर अमोनिया से दो हाइड्रोजन अलग हो जाए और यहाँ पर दो एल्किल जुड़ जाए तो ये आपका बन जाएगा भैया R बॉन्ड NH, इसको आप कहेंगे सेकेंड डिग्री एमाइन। एल्किल जुड़ रहे हैं तो ये एल्किल एमाइन है जी हाँ। अब इसी तरह अमोनिया से भैया तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाए, तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाए और यहाँ पर तीन एल्किल जुड़ जाए तो भैया नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की जगह एल्किल जुड़ गए हैं तो आप इसे कहेंगे थर्ड डिग्री एमाइन, तृतीयक एमीन। तो एमाइंस अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। यहीं पर आप एल्किल की जगह एरल जोड़ सकते हो भैया तो एरल का एमाइन, एरोमेटिक एमाइन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये एरल ग्रुप भी, आप एरल ग्रुप से भी प्रतिस्थापन करा सकते हैं जी हाँ, एरल समूह। और जो R है ये क्या है भैया, एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। तो अमोनिया के इस तरह के व्युत्पन्न एमाइंस कहलाते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं ये। एमाइंस
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं और ये अमोनिया के व्युत्पन्न माने जाते हैं। अमोनिया के हाइड्रोजन जब एल्केल समूह से विस्थापित होते हैं तो एल्केल अमीन बनती है, और जब एरल समूह से विस्थापित होते हैं तो एरल अमीन बनती है, एरोमेटिक अमीन बनती है। अब ये जो अमीन होती है ये तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक अमाइन या फर्स्ट डिग्री अमाइन जिसका ग्रुप होता है NH2, सेकंड डिग्री अमाइन या द्वितीयक अमाइन जिसका ग्रुप होता है NH, और थर्ड डिग्री अमाइन या तृतीयक अमाइन जिसका ग्रुप होता है भैया थर्ड डिग्री वाला N, केवल नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपने जाना। इसके अलावा देखिए जो आपके सेकंड डिग्री अमाइंस हैं, सेकंड डिग्री अमाइंस उसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड एल्केल या एरिल ग्रुप होते हैं, या फिर एरिल दोनों साइड एल्केल या एरिल ग्रुप होते हैं। अब ये एल्केल ग्रुप एक समान हो सकते हैं, ये एरिल ग्रुप एक समान हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो अगर एक जैसे एल्केल समूह सेकंड डिग्री अमाइंस की बात की जाए, सेकंड डिग्री अमाइंस में अगर दोनों पक्ष समान हैं, सेकंड डिग्री अमाइंस में द्वि संयोजी क्रियात्मक समूह आया है NH, क्या आया भैया, द्वि संयोजी क्रियात्मक समूह आया है। अब अगर इस द्वि संयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर के पक्ष समान हैं, एक जैसे हैं, तो हम उसे कहते हैं सरल अमाइंस, सरल एमीन। और अगर यही पक्ष भिन्न भिन्न हैं तो हम उसे कहते हैं मिश्रित अमीन या असम्मित अमीन। तो सम्मित अमीन और असम्मित अमीन, या सरल अमीन और मिश्रित अमीन, ऐसे कह सकते हो आप सेकंड डिग्री अमाइंस में। सपोज डेट CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 इस तरह से जुड़ा है, या फिर C2H5 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5। तो यहां पर दोनों साइड के पक्ष भैया समान है, इसलिए ये सम्मित अमाइंस है या इसे सरल अमाइंस कहते हैं। अब अगर यहीं पर ये हम इस तरह से जोड़ें CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5, अब ये पक्ष क्या हो गए भैया, अलग अलग हो गए, तो ये आपकी असम्मित अमाइंस कहलाएगी या फिर इसको मिश्रित अमाइंस कहेंगे, राइट। तो ये अमाइंस था, अमाइंस की छोटी सी डेफिनेशन थी कि अमोनिया के एल्केल या एरिल व्युत्पन्न अमाइंस कहलाते हैं। अमाइंस फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकंड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है। अमाइंस एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, ये अमाइंस की डेफिनेशन थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे, उसके बाद हम इसका IUPAC नाम भी जान लेंगे, फिर हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो भैया फर्स्ट डिग्री अमाइंस बताया, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट डिग्री अमाइन, और हमने आपको सेकंड डिग्री अमाइन बताया, और हमने आपको थर्ड डिग्री अमाइन भी बताया। तीन तरह की अमाइन बताई। फर्स्ट डिग्री अमाइन को आप कहते हैं प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी अमाइंस, और इसको आप कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन, और इसको आप कहते हैं टर्शरी, टर्शरी अमाइन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमाइन। अब प्राथमिक अमाइन आपका होता है R बॉन्ड NH2, द्वितीयक अमाइन होता है भैया RR NH, और तृतीयक अमाइन होता है भैया RR N, यानी कि आप कह सकते हैं भैया R3N। तिया इस तरह से आप इसको बता सकते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भैया कितना है, यहाँ NH2 है, ठीक है, अमीन। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर अमीनो, इमीनो कहते जिसे NH,
और यहां पर भैया थर्ड डिग्री नाइट्रोजन आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। जी हाँ, अब इसके एग्जाम्पल्स में जैसे लिखा CH3NH2, इसको आप पढ़ेंगे मैथलैमीन। अभी हम केवल साधारण नाम की बात कर रहे हैं, मैथलैमीन पढ़ेंगे या फिर आप इसको अमीनो मैथेन पढ़ सकते हैं, अमीनो मैथेन पढ़ सकते हैं, ये साधारण नाम है। इसी तरह भैया अगर हमने लिख दिया C2H5NH2 तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एथलैमीन पढ़ेंगे, एथलैमीन, एथलैमीन। अगर हमने लिख दिया भैया CH3CH2CH2NH2 इस तरह से लिखा तो सीधी चेन है, नॉर्मल नॉर्मल प्रोपेल, तीन कार्बन को आप नॉर्मल प्रोपेल एमीन पढ़ेंगे से, नॉर्मल प्रोपेल एमीन, ठीक है, तीन कार्बन की है आपकी, नॉर्मल प्रोपेल एमीन पढ़ी जाएगी। इसी तरह मान लीजिए हमने लिख दिया भैया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, तो हमने आपको बताया था CH3 और CH ये आपका क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, ठीक है, ये आपका सेकंड डिग्री का आइसोस एक जैसे पक्ष है, आइसोस से लिया गया शब्द आइसो, जी, तो आइसोप्रोपाइल एमीन पढ़ेंगे आप इसे, आइसोप्रोपाइल एमीन, ये हमने बताया आपको साधारण नाम। इस तरह से आप प्राथमिक अमीन है तो आप उसको एल्केल अमीन पढ़ देते हैं, ठीक है, प्राथमिक अमीन को, राइट। इसी तरह भैया द्वितीयक अमीन में दोनों पक्ष पढ़े जाते हैं, जैसे लिख दिया जाए CH3 बॉन्ड NH और बॉन्ड CH3, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे डाई मेथल अमीन। इसी तरह लिख दिया जाए CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 CH3, तो इसको पढ़ सकते हैं मेथिल एथिल अमीन या एथिल मेथिल अमीन, ठीक है, मेथिल और एथिल के केस में आप दोनों टाइप से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे एथिल मेथिल अमीन भी पढ़ सकते हैं भैया, एथिल और मेथिल अमीन, या फिर क्या पढ़ सकते हो, है ना, या फिर पढ़ सकते हो आप इसे एथेल और अमीनो मैथेन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन इसी तरह दिया हो भैया CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 CH2 CH3, तो अब आपको पहले छोटा पक्ष पढ़ना है, साधारण नाम की बात कर रहे हैं, केवल IUPAC की अभी हमने कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि यहां पर IUPAC नाम विशेष होता है, इसलिए वीडियो को एक एक बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है, सीखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अंत तक, एक एक बात आपको अच्छे से समझनी है, देखनी है। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, राइट। और अगर आपको हमारा ये वीडियो के अंत में बात कर रहे हैं, अभी नहीं, पूरा पहले देख लीजिए, फिर आप अपना मन बनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे HD केमिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपको समय पर प्राप्त होता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, उससे आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके यहाँ तुरंत घंटी बज जाती है भैया, नोटिफिकेशन आ जाता है और आप टाइम पर वीडियो को वॉच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान देना है, सब्सक्रिप्शन करते समय बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो भैया CH3NH CH2 CH2 CH3 इस तरह से दिया है, तो आप इसको पहले पढ़ेंगे भैया मेथिल और फिर आप पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोपिल और एमाइन, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल एमाइन। इसी तरह अगर हम एक साइड आइसो बना दें, आइसो देखिए यहां पर लिख देते हैं CH3 बॉन्ड NH
अब बॉन्ड सी एच, बॉन्ड सी एच थ्री, बॉन्ड सी एच थ्री। तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे, मैथिल पढ़ोगे, मैथिल, और फिर आप पढ़ोगे आइसोप्रोपिल। जी हाँ, आइसोप्रोपिल, और फिर बाद में कहोगे भैया एमाइन, राइट। इसी तरह हम थर्ड डिग्री एमाइन पर बात करें तो थर्ड डिग्री में भैया जैसे लिखा है सी एच थ्री अब बॉन्ड एन, अब बॉन्ड सी एच थ्री, अब बॉन्ड सी एच थ्री, इस तरह से जुड़ा है। तो आप इसको पढ़ेंगे भैया ट्राई, ट्राई मेथाइल अमीन। जी हाँ, पहले एल्किल पढ़ देते हैं, तो ट्राई मेथाइल अमीन पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमने लिख दिया भैया सी एच थ्री सी एच टू बॉन्ड बॉन्ड एन, अब बॉन्ड सी एच थ्री, अब बॉन्ड सी एच थ्री। तो आप इसे पढ़ेंगे डाइमेथिल, डाइमेथिल, और फिर पढ़ेंगे आप एथिल, एथिल अमाइन, राइट। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है, पहले आपको क्रम से एल्किल पढ़ लेते हैं, फिर आप एमाइन लगा देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर बेंजीन की रिंग जुड़ी हो तो आप उसको फेनिल पढ़ने लगते हो, राइट। बेंजीन की रिंग जोड़ दी जाए तो उसे आप फेनिल पढ़ने लगते हैं, तो फेनिल अमाइन पढ़ने लगते हो, ठीक है। तो ऐसे का आप कर सकते हैं भैया बेंजीन की, जैसे यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग को जोड़ दिया और लिख दिया एन बॉन्ड सी एस थ्री, बॉन्ड सी एस थ्री। तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल और फिनाइल अमाइन। जी हाँ, फिनाइल अमीन, फेनिल पढ़ते हो आप, बेंजीन की रिंग जुड़ी हो, एरोमेटिक जुड़ी हो, है ना। इसी तरह भैया अगर दोनों साइड बेंजीन की रिंग जुड़ी है और बीच में एनएच लगा है और ये दोनों साइड बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, डाई फिनाइल पढ़ेंगे भैया, डाई फिनाइल अमाइन। ये बात करी हमने साधारण नाम की, ठीक है। ये साधारण नाम है, इस तरह से एल्किल अमीन आपको पढ़ना है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इन्हीं हाइड्रोजन को विस्थापित करके जब एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाता है तो एमाइंस बनते हैं। इस आधार पर एमाइंस प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन प्रकार के हो सकते हैं। और एल्किल या एरिल द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, इसलिए एमाइंस एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब एल्किल एमाइंस भी हो सकते हैं, एरिल एमाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाने उनके एग्जाम्पल और सामान्य या साधारण नामों को आपने जाना, कि एमाइंस के सूत्र को जाना, एमाइंस किन्हें कहते हैं और उनके कितने, मतलब कि किस तरह से उनको क्लासिफाइड किया जाता है ना, कैसे उनके सामान्य या साधारण पद्धति में नाम लिखे जाते हैं। अब एक ही चीज बची है, वो है आईयूपीएसी पद्धति। तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जी हाँ, तो उसको समझ लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही अच्छी नई बात बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी नई बात यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो बहुत अच्छे से आपको आईयूपीएसी सिस्टम समझना है एमाइंस के लिए, ठीक है। आईयूपीएसी सिस्टम फॉर एमाइंस, एमाइंस के लिए आईयूपीएसी सिस्टम, कैसे आप आईयूपीएसी नाम एमाइंस के लिखते हैं, बहुत ही अच्छे से जानना इस बात को, है ना। इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, एमाइंस को बनाना भी बड़ा इजी है, बहुत ही आसान विधियां हैं एमाइंस बनाने की, जी। तो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण एमाइंस का कैसे करते हैं। तो भैया एमाइंस पे बात करें पहले, फर्स्ट डिग्री एमाइंस की, तो फर्स्ट डिग्री एमाइंस कितना होता है आपका, आर एन एच टू होता है, ठीक है। तो आर एन एच टू है, तो यहां पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है जो, वो है आपका एन एच टू, एन एच टू यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसका सफिक्स होता है, सफिक्स यानी कि अनुलग्न, सफिक्स एमाइन ही होता है, एमाइन,
और इसका प्रीफिक्स होता है भैया, प्रीफिक्स अमीनो, प्रीफिक्स होता है अमीनो, ठीक है। तो प्रीफिक्स अमीनो और सफिक्स एमाइन, तो जो आपकी फर्स्ट डिग्री एमाइन होती है उसमें एल्केन, एल्केन से एमाइन जुड़ जाता है तो एल्केनामाइन हो जाता है। एल्केन यानी आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, आईयूपीएसी नाम की बात की जाए तो भैया एल्केन लिखते हो आप, एल्केन से ई को हटा देते हैं और वहां पर एमाइन जोड़ देते हैं, सफिक्स एमाइन जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, एल्केनामाइन हो जाता है, एल्केनामाइन, राइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे दिया है CH3NH2, तो CH3NH2 के लिए एक कार्बन है भैया, तो क्या कहोगे आप इसे, मैथेन कहोगे, मैथेन, ठीक है। अब मैथेन से ई को हटा देंगे आप और एमाइन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, मैथेनामाइन हो जाएगा, ठीक है, मैथेनामाइन। इसी तरह दिया है भैया CH3CH2NH2, तो आप इसको क्या कहेंगे, एथेन, और एथेन में एमाइन जोड़ेंगे तो एथेनामाइन हो जाएगा, जी हाँ एथेनामाइन। अब इस तरह से दिया है भैया CH3CH2 और CH2NH2, इस टाइप से लिखा है, इस टाइप से लिखा है, तो आप क्या कहेंगे इसे, प्रोपेन, प्रोपेन में भैया एमाइन जोड़ेंगे हो जाएगा प्रोपेनामाइन। बट लेकिन अगर इस तरह से लिखा है CH3CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH2, तो अब ये तीन कार्बन की चेन आएगी 1 2 3, ठीक है। तो दो अंक मिले यहां पर NH2 ग्रुप को, तीन कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी यहां पर, तो 1 2 3, चाहे इस तरह से अंकन किया जाए तो 1 2 3, इस तरह से भी करोगे तो 1 2 3, है ना, दो अंक मिल रहे हैं NH2 समूह को। तो अब आप यहां पर क्या कहेंगे, आप यहां पर 2 प्रोपेनामाइन कहेंगे, 2 प्रोपेनामाइन, या आप कह सकते हैं प्रोपेन 2 अमाइन, या फिर आप इसको लिख सकते हो भैया प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या प्रोपेनामाइन 2 लिख सकते हो, राइट। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है एग्जाम्पल भैया CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड NH2, देखिए फर्स्ट डिग्री एमाइन ही है, ये प्राथमिक ही है, है ना। तो यहां पर ये तीन कार्बन की आपकी चेन सेलेक्ट होगी, अब आप अंकन करेंगे 1 2 3, किसी भी सिरे से करें, इस तरह से अंकन मिलेगा आपको। तो ये साइड चेन होती है, इसके प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, जो भी साइड चेन होती है उसका क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो आप इसे कहेंगे 2-मिथाइल, 2-मिथाइल लिख देंगे प्रीफिक्स। इसके बाद तीन कार्बन की चेन है तो उसको क्या कहोगे भैया, प्रोपेन, प्रोपेन 2 नंबर पर एमाइन है तो प्रोपेन 2 अमाइन, या 2 प्रोपेनामाइन, इस तरह से कह सकते हैं। साइड चेन, साइड चेन को एल्केन रूप में लिखेंगे आप तो 2-मेथेल और प्रोपेन 2 अमाइन, या 2 प्रोपेनामाइन, इस टाइप से कह सकते हैं भैया। इस तरह से आप चेन, अगर कोई भी यानी कि शाखा युक्त श्रृंखलाएं दी गई हैं तो आप उसमें एक पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हो। हमने अलग से भी आपको रूल्स बताए थे IUPAC के, है ना, अगर आपने उसके भी अलग से वीडियो अपलोडेड हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर ओवरऑल रूल्स टेक्निक के साथ मिल जाएंगे जो हमने ऑलरेडी बता रखे हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्ट भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं नियम, कोई दिक्कत वाली बात ना है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात ना है भैया। जो साइड चेन होती है उसको आप एल्केल रूप में लिख देते हो आगे, है ना, जो मतलब साइड चेन जो जो पेरेंट चेन के बाहर हो गई हैं साइड चेन, उनको अब प्रीफिक्स एल्केल के रूप में आगे लिख दिया जाता है, वो भी विथ अंक के कि किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, राइट। और बाद में आप इसका सफिक्स एमाइन लगा देते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी चेन आपकी दी जा सकती है और इस प्रकार से नाम लिखा जा सकता है फर्स्ट डिग्री एमाइंस का, चाहे जिस टाइप से दिया हो,
ठीक है, चाहे जिस टाइप से एग्जाम्पल दिया हो आप आराम से इसके जो है इस तरह से नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भैया सेकेंड डिग्री एमाइन की। सेकेंड डिग्री एमाइंस यानी R बॉन्ड NH और बॉन्ड R, या फिर आप कह सकते हो R बॉन्ड NH और बॉन्ड R डैश, इस टाइप से कह सकते हो। ठीक है, एक जैसे पक्ष हो सकते हैं, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। राइट, अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो जब एक जैसे पक्ष हैं या अलग अलग पक्ष हैं उसे कोई दिक्कत ना है, तो जो बड़ा पक्ष होता है ना उसके साथ आप NH को काउंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और जो छोटा पक्ष होता है, छोटा कार्बन, छोटे मतलब कम कार्बन हो जिस साइड, छोटा पक्ष, छोटा एल्किल, मतलब सेकेंड डिग्री एमाइंस में क्या है, द्वि संयोजी NH क्रियात्मक समूह है और इसके दोनों साइड एल्किल समूह होते हैं। अब ये एल्किल समूह एक समान हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो भैया हो सकता है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो छोटा एल्किल है उसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है, एल्किल के रूप में ही लिखना है, और जो बड़ा एल्किल है उसके आधार पर मूल शब्द लेना है, रूट वर्ड लेना है और उसमें एमाइन जोड़ना है, उसमें सफिक्स एमाइन जोड़ना है। अब यहां पर समस्या क्या है, यहां पर एक नई बात क्या है, हमने कहा था ना आपसे कि हम यहां एक नई बात बताने वाले हैं आपको, तो अब यहां पर नई बात क्या है, अब यहां पर नई बात यह है कि जो ये एल्किल जुड़ा है, जो ये साइड चेन, जैसे यहां एल्किल जुड़ा था तो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा था भैया, तो 2-2-मेथिल लिख दिया था हमने। अब इसमें जो एल्किल जुड़े हैं वो कार्बन से नहीं बल्कि नाइट्रोजन से जुड़े हैं, इसलिए आईयूपीएसी ने एक रूल्स दिया कि ऐसे मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में जो भी पार्श्व श्रृंखलाएं नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ी होती हैं उनको प्रतिस्थापी रूप में लिखते हैं और कैपिटल एन सिंबल लगा के लिखते हैं। कैपिटल एन सिंबल लगाना है आपको, पहले सबसे पहले कैपिटल एन लगाएंगे, फिर छोटा सा हाइफन, उसके बाद एल्किल का नाम लिखेंगे। ये नई बात है यहां पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए। जी हां, रिमाइंड कर लीजिए इस बात को, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए कि नाइट्रोजन से जो भी एल्किल जुड़े होते हैं उनको जब एल्किल रूप में लिखा जाता है, प्रतिस्थापी रूप में लिखा जाता है, तो एन सिंबल लगा के लिखते हैं, कैपिटल एन अक्षर लगा के लिखते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहां पर द्वितीयक एमाइंस में और तृतीयक एमाइंस में दोनों में आपको जो छोटा एल्किल समूह है उसको प्रतिस्थापी रूप में लिखना है और कैपिटल एन अक्षर के साथ लिखना है, एन सिंबल लगा के लिखना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज डेट दिया है CH3 भैया NH और बॉन्ड CH3, तो हम नाइट्रोजन से जुड़ा है ये मेथाइल, तो कैपिटल एन लगाओगे और क्या लिखोगे, मेथिल लिखोगे। जी हाँ, कैपिटल एन हाइफन के साथ, तो कैपिटल एन मेथिल, और इसके बाद एक कार्बन बचेगा तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे आप मैथेनामाइन या मैथिल, सॉरी अमीनो मैथेन, ऐसा भी कह सकते हो अमीनो मैथेन या मैथेनामाइन, एक कार्बन बचा था। जी अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 CH3 ये दिया है, तो देखिए छोटा सा पक्ष ये है, छोटा एल के लिए CH3, तो आप क्या लिखोगे आगे, कैपिटल N लगाओगे और मेथिल लिखोगे। बहुत गौर से समझे बात को, N मेथिल लिख दिया आपने, प्रतिस्थापी को लिख दिया वो भी कैपिटल N के साथ, कैपिटल N सिंबल लगा के, तो N मेथिल लिख दिया। इसके बाद दो कार्बन बचे भैया, तो दो कार्बन को क्या कहोगे, एथेन, एथेन में जुड़ जाएगा एमाइन, हो जाएगा एथेनामाइन। जी हाँ, एथेनामाइन हो जाएगा।
इसी तरह मान लीजिए दिया है भैया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH और बॉन्ड दिया है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 से दिया है। एक साइड दो कार्बन का एल्केल है और एक साइड तीन कार्बन का, तो जिस साइड दो कार्बन का एल्केल है उसको आप कैपिटल N के रूप में लिखेंगे, कैपिटल N एथिल लिखोगे भैया, N एथिल, और एथिल लिखने के बाद तीन कार्बन है भैया तो क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन, प्रोपेन में एमाइन जोड़ेंगे, प्रोपेना माइन, इस तरह से लिखना है भैया आपको प्रोपेना माइन। चलिए अभी और शानदार से एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखना ये रूल्स, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं आगे और इसके एग्जाम्पल्स थर्ड डिग्री के भी, थोड़ा सा ही ध्यान देना है भाई, क्या है कि जब रूल्स अच्छे से आप जान लेते हो उसको अप्लाई करना तो फिर ज़्यादा एग्जाम्पल्स जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फिर तो भैया चाहे जिस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए हम उसको आसानी से बना सकते हैं, उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं भैया। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे दिया है CH3 बॉन्ड NH, राइट, अब बॉन्ड CH, जी हाँ, अब बॉन्ड CH3, अब बॉन्ड CH3, इस टाइप से दिया भैया, तो ये तो छोटा 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 सा एल्केल है, छोटा एल्केल, अब ये बड़ा है, अब इसमें भी शाखाएं हैं भैया, तो अब इस कार्बन चेन को आप पेरेंट चेन मानेंगे और इसका अंकन करेंगे 1 2 3, किसी भी सिरे से करें, 2 अंक इसको मिल रहे हैं, तो अब आप क्या लिख जी, लेकिन ये वाला जो ये मेथिल है ना, ये तो भैया कार्बन से ना जुड़ा है, ये नाइट्रोजन ही से जुड़ा है, तो कैपिटल N अक्षर के साथ इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा, N मेथिल लिखना पड़ेगा, सबसे पहले N मेथिल लिख जाएगा, इसके बाद प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद एमीन जुड़ा है, तो प्रोपेन 2-amine लिख सकते हो या फिर 2-2-propanamine लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पर एमाइन है तो प्रोपेनामाइन इस तरह से लिख सकते हो भैया, या प्रोपेन 2-amine लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए मान लीजिए दिया है CH3 बॉन्ड N, NH बॉन्ड C, अब बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, तो अब यहां पर क्या है कि भैया इस तरह की चेन आपकी सिलेक्टेड होगी, अब यहां अंकन करेंगे आप 1 2 3, राइट, तो ये N पर जुड़ा है एक मेथिल, तो इसको आप सबसे पहले लिख देंगे N मेथिल, इसके बाद एक दूसरे नंबर पर जुड़ा है मेथिल तो उसको आप लिखेंगे 2 मेथिल, ये भी तो बाहर हो गया 2 मेथिल, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 2-propanamine, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही एमाइन जुड़ा है तो 2 हो जाएगा और प्रोपेनामाइन हो जाएगा, इस टाइप से अब किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो आप बड़े आसानी से उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भैया थर्ड डिग्री की, तो थर्ड डिग्री में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही नाम थर्ड डिग्री में भी आप लिखते हैं, थर्ड डिग्री एमाइंस में भी, जी हाँ, अब यहाँ पर 2 एल्केल का हिसाब आगे देना है, छोटे 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 एल्केलों का हिसाब आगे देना है, तो भैया एन एन और डाई लग जाएगा, डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, और फिर एक कार्बन बचेगा तो हो जाएगा मैथेनामाइन, क्या हो जाएगा मैथेनामाइन, ठीक है। अब इसी तरह भैया दिया हो CH3 बॉन्ड बॉन्ड एन बॉन्ड CH3 और बॉन्ड लिखा हो CH2 CH3, है ना, तो देखिए ये बड़ा एल्केल है इसके साथ एमाइन लेना, छोटों को आप आगे लिख देंगे N, N और भैया डाई डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल और एथेन, एथेन में जुड़ जाएगा एमाइन तो भैया हो जाएगा एथेनामाइन, राइट। अब मान लीजिए लिखा है CH3 बॉन्ड N बॉन्ड बॉन्ड C2H5 जी और बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, देखिए सबसे बड़ा एल्केल ये है आपका प्रोपेल, तो इसी के साथ प्रोपेनामाइन लिखोगे, अब मेथिल भी है एथिल भी है, अब यहां पर पहले किसको लिखा जाए, यहां पर अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं आप IUPAC में प्रतिस्थापियों को,
अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। तो भैया एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल एम से शुरू होता है, तो पहले एन पर जुड़ा है, एन सिंबल लगाओगे, एन एथिल लिखोगे भैया, पहले एथिल लिखोगे, उसके बाद फिर एन सिंबल लगाओगे और फिर क्या लिखोगे, मेथिल लिखोगे भैया, एन मेथिल लिखोगे, और उसके बाद तीन कार्बन है भैया तो प्रोपेन अमाइन लिखोगे, प्रोपेन में अमाइन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन हो जाएगा, राइट, है ना, समझ आ रही ना बात। चलिए इसी तरह लिखा भैया सी एच थ्री बॉन्ड एन और बॉन्ड सी एच थ्री, और लिख दिया जाए सी एच बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, इस टाइप से दिया हो तो ये जटिल है, इसमें साइड चेन मतलब ये थोड़ा शाखा युक्त है, जटिल है, तो यहाँ पर एक दो तीन, ये आपका तीन तीन कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी, तो अब आप इसको क्या कहेंगे भैया, एन एन डाई मेथिल कहेंगे, डाई मेथिल, ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़े मेथिल हैं ये, इनको सबसे पहले आप लिख दोगे एन एन डाई मेथिल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, टू प्रोपेनामाइन, प्रोपेन प्रोपेन में एमाइन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्केल समूहों को सबसे पहले लिखा जाता है और एन अक्षर लगा के लिखते हैं, ठीक है, ऐसा आप करते हैं, इस बात का, इस नियम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, राइट। इसी तरह भैया बेंजीन में फेनिल वगैरह जुड़ा हो तो ऐसी फेनिल में आपको, फेनिल के केस में भी आपको ऐसी करना है, लेकिन हाँ अगर NH2 समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो उसको जरूर विशेष नाम से जानते हो आप, और इस टाइप से जैसे यहाँ डायरेक्ट सीधे NH2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो आप उसे भैया एनिलीन के नाम से जानते हैं, एनिलीन डायरेक्ट NH2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसे एनिलीन कहते हैं, लेकिन अगर यही NH2 समूह साइड चेन के रूप में जुड़ा है तो आप इसे बेंजल अमीन पढ़ते हो, बेंजल अमीन, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं फिनाइल फेनिल और मैथेनामाइन, या साइड चेन को आप साइड चेन में एमाइन जोड़ेंगे मैथेनामाइन, तो भैया फेनिल और मैथेनामाइन ऐसा पढ़ोगे, या बेंजल अमीन पढ़ सकते हैं इसको, और इसको आप एनिलीन पढ़ते हैं। अब एनिलीन में कुछ भी जुड़ा हो तो आप उसको आगे पढ़ देते हो, जैसे NH2 है और यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमो जुड़ा है, ब्रोमीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप इसे क्या कहेंगे, थ्री ब्रोमो कहेंगे, जी हाँ थ्री ब्रोमो और एनिलीन कहेंगे, थ्री ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन, तो एनिलीन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो भी प्रतिस्थापी जुड़ा होगा उसको आगे पढ़ देंगे और एनिलीन शब्द बाद में लग जाएगा, ये एरोमेटिक्स में भी हमने आपको बताया था। तो इस तरह से आप एमाइंस का नाम लिखते हैं, आपने एमाइंस जाना, क्लासिफिकेशन जाना, उनके साधारण और आईपीएसी नाम जाने। अब हम बात करते हैं भैया प्रिपरेशन मेथड पर, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन विधि पर हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो पहली बात तो भैया आप इनको प्राप्त कर सकते हो नाइट्रो कंपाउंड से, नाइट्रो कंपाउंड से आप इनको प्राप्त कर सकते हो, नाइट्रो यौगिकों से प्राप्त कर सकते हो, वो भी बाय रिडक्शन, जी हाँ रिडक्शन द्वारा, रिडक्शन द्वारा आप इनको अपचयन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करा दिया जाए, जैसे NO2 जुड़ा है और इसका अपचयन अगर आप हाइड्रोजन और निकल द्वारा करा देंगे तो भैया क्या बन जाएगा, NO2 जुड़ा तो NH2 हो जाएगा और क्या अलग हो जाएगा भैया, H2 अलग हो जाएगा। तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कर दिया जाए तो हमें एमाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह मान लीजिए सपोज डेट हमारे पास नाइट्रो बेंजीन दी है, NO2 जुड़ा है, इसको क्या पढ़ते हो आप, नाइट्रो प्रतिस्थापी है, आगे पढ़ा जाता है नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन जुड़ी है, अब नाइट्रो बेंजीन का अगर हम अपचयन करा देंगे हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पैलेडियम ले सकते हो, पैलेडियम और कार्बन, इसकी उपस्थिति में अगर आप हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन करा देंगे
तो क्या हो जाएगा भैया, एनिलीन बन जाएगी और क्या अलग हो जाएगा, 2H। बहुत ही सिंपल विधियाँ हैं एमाइंस बनाने की। नाइट्रो यौगिकों का ऑक्सीजन आप हाइड्रोजन से करा सकते हैं, इसके अलावा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हो, SNHCl से भी करा सकते हो, जी हाँ FeHCl से करा सकते हैं, SNHCl से करा सकते हैं। सपोज डेट फिर से हमने लिया भैया नाइट्रोबेंजीन दी गई है और हमने ये रिडक्शन करा दिया SNHCl से, जी हाँ। तो जहाँ पर नवजात हाइड्रोजन, 6 नवजात हाइड्रोजन प्रतिभाग करके क्या बना देंगी, NH2, यहाँ एनिलीन बना देंगी और क्या अलग हो जाएगा भैया, 2H2O अलग हो जाएगा। नाइट्रो यौगिक, कोई भी नाइट्रो यौगिक हो, नाइट्रो एल्केन हो, नाइट्रो एरीन हो, अगर हम उसका अपचयन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजन द्वारा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा, या फिर FeHCl द्वारा, SNHCl द्वारा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। यहाँ पर अपचायक आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अगर आप अपचयन करा देते हैं डायरेक्ट, तो क्या बन जाता है, एमाइंस बन जाता है, एमाइंस बन जाता है इसके द्वारा डायरेक्ट अपचयन करा देने से। ये भी भैया विधियाँ थी, है ना। अब इसके बाद हम दूसरी विधि पर बात करते हैं, जी एमाइंस, साथ ही एरोमेटिक एमाइंस भी बन रही है यहाँ पर, इसका गौर करते जाए। एनिलीन भी बनाई हमने और प्राथमिक एमाइंस भी बनाई है, ठीक है। तो ये प्राथमिक एमाइंस बनाने की विधि है। इसके अलावा आप नाइट्राइल, नाइट्राइल जिनको साइनाइड कहते हैं, IUPAC में CN जो फंक्शनल ग्रुप है CN, उसको उसका सफिक्स नाइट्राइल होता है, ठीक है, और NC का आइसो नाइट्राइल, इनको सामान्य तरीके से आप साइनाइड और आइसो साइनाइड कहते हैं, जी हाँ। तो एल्किल या एरिल साइनाइड से आप, या और आइसो साइनाइडों से भी आप एमाइंस बना सकते हैं, वो भी उनके अपचयन द्वारा, उनका आप अपचयन करा सकते हैं भैया, उनका भी आप अपचयन करा सकते हैं। तो जैसे R बॉन्ड CN दिया है, जी हाँ, RCN दिया है, और इनका क्या कर दिया जाए, अपचयन कर दिया जाए। ये अपचयन आप सोडियम अमलगम और एल्कोहल द्वारा करा सकते हो, जी हाँ, सोडियम और एल्कोहल द्वारा ये अपचयन करा सकते हो। तो आपको बताया था कि दो हाइड्रोजन आगे के कन्वर्जन रिएक्शन में, टेक्निक्स में बताई थी, क्रिया यूज भी की है, साइनाइड रूट, है ना, कार्बन बढ़ाया करते थे आप, तो कार्बन बढ़ाने में इस विधि का हमने प्रयोग भी किया है। तो साइनाइडों का जब आप अपचयन करा देते हैं, साइनाइडों का अपचयन करा देते हैं, तो भैया एमाइंस बन जाती है साइनाइडों के अपचयन से, ठीक है। ये अपचयन आप किसी भी सामान्य अपचायक से करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो साइनाइड का अपचयन है, आप ये अपचयन हाइड्रोजन और निकेल प्लेटिनम इनके द्वारा भी आप करा सकते हो, तो भी भैया क्या बनेगी, यहाँ पर एमाइंस ही बनेगी, ठीक है, एमाइंस ही बनेगी। आप यहाँ पर फेनिल साइनाइड भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हो भैया, जी हाँ, एरोमेटिक साइनाइड ले सकते हो, और इसका भी आप क्या करा सकते हैं, अपचयन करा सकते हैं सेम, तो भैया क्या हो जाएगा, बेंजल अमीन बन जाएगी, ठीक है, बेंजल अमीन बनेगी यहाँ पर, एनिलीन नहीं बन सकती है, बेंजल अमीन बन जाएगी, CH2 बॉन्ड NH2, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन बढ़ रहा है, इसलिए बेंजल अमीन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप साइनाइडों का अपचयन करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए भैया, आइसो साइनाइड दिया हो, अगर आइसो साइनाइड दिया है तो उनका, उनसे भी आप अपचयन द्वारा इसे बना सकते हैं, आइसो साइनाइड से R बॉन्ड NC, ये आइसो साइनाइड होता है, इसका भी आप भैया अपचयन करा दें हाइड्रोजन या निकेल द्वारा, ठीक है, और या फिर आप सोडियम और एल्कोहल द्वारा, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो भी सामान्य अपचायक है उसका यूज कर सकते हो। तो भैया यहाँ पर आपकी बनेगी R बॉन्ड NH और बॉन्ड CH3, मतलब के सेकेंड डिग्री एमाइंस बनेगी, जी हाँ, सेकेंड डिग्री एमाइन बनेगी, लेकिन एक साइड मैथेल ही बनेगा, मैथेल एमाइंस,
जी हाँ, सेकंड डिग्री और मेथिल, एन मेथिल एमाइंस यहाँ पर आपकी बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप आइसोसाइनाइड और साइनाइड के अपचयन से भी भैया एमाइंस को बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग विधियाँ भी हैं जिसमें गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमैन अमोनोलिसिस अमोनी अपघटन, तीन बहुत ही चुनी हुई विधियां हैं एमाइंस बनाने की। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं भैया गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस पर। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस में थैलेमाइड को लेते हैं आप, और इस विधि से जो प्राथमिक अमीन बनती है, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन, वो शुद्ध बनती है। अत्यधिक शुद्ध बनाने की एक उपयोगी विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले थैलीमाइड की KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। थैलीमाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम लवण बन जाता है। थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, उसके बाद उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये आप एल्किल हैलाइड में भी हमने इस रिएक्शन को आपको पढ़ाया होगा। जी हाँ, तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई जाती है तो एन एल्किल, नाइट्रोजन पर एल्किल जुड़ जाता है तो भैया एन एल्किल थैलीमाइड बनता है। उसके बाद उसका ना जल अपघटन करा देते हो आप। ठीक है, तो जल अपघटन कराने पर थैलिक अम्ल आपका अलग हो जाता है और आपको फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमाइंस प्राप्त हो जाती है। ये है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। जी हाँ, यहाँ पर थैलेमाइड लिया जाता है और उससे आप शुद्ध और एलिफैटिक अमीन बनाते हो, तो शुद्ध एलिफैटिक अमीन बनाने की ये बहुत ही अच्छी विधि है। इसके अलावा आप एमाइडों से बना सकते हो, एमाइडों से और एमाइडों के अपचयन से बना सकते हो। इसके अलावा एमाइडों पर ब्रोमीन और KOH क्षार की क्रिया, यानी कि हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD रिएक्शन लगा सकते हो, लेकिन वहां पर एक कार्बन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है HBD रिएक्शन में। वो भी हमने आपको कन्वर्जन ऑफ वाटेपेंस में बहुत यूज किया, उस रिएक्शन को बताया हमने आपको। ठीक है, अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं भाई, बहुत चुने हुए वीडियो अपलोड किए गए थे कि कौन कौन सी रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। जी हाँ, तो वो सारे वीडियोज हमने आपको अपलोड कर दिए यही SD केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर, जो किसी भी यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको उस तरह से क्रमबद्ध नहीं मिल सकते हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको सबसे पहले आप वॉच कर लीजिए, देख लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको उन रिएक्शनों को जानने से। तो चलिए हम पहले गैब्रियल थैलेमाइड जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो चूंकि काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, बाकी जो एक दो विधियाँ हैं और इसकी प्रॉपर्टीज है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जी हाँ, तो इतना आपको आज की क्लास में जानने को मिला। इसी तरह के क्लासेस डेली कंटिन्यू पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ, तो ये देखिए बेंजीन में हमने दोनों साइड लगातार C double OH जोड़ दिया तो ये थैलिक अम्ल का सूत्र बन गया। बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को आप थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलिक एसिड कहते हैं। जी हाँ, थैलिक अम्ल कहते हैं। इस थैलिक अम्ल की रिएक्शन कराई अमोनिया से। जी, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, दो अणु अमोनिया के यहां पर रिएक्ट करेंगे और अमोनियम लवण बन जाएगा। अब थैलिक अम्ल का क्या बनेगा भैया, अमोनियम थैलेट, अमोनियम लवण बन जाएगा। जी हाँ, अमोनियम थैलेट पढ़ सकते हैं इसको। अब इस अमोनियम थैलेट को आपको गर्म कर देना है। जब आप गर्म कर देंगे तो भैया दो अणु आपके H2O के यहाँ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो थैलेमाइड बन जाएगा, CONH2 बचेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे भी आपका ये लगातार CONH2, इसको आप पढ़ सकते हैं भैया थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है, थैलीमाइड नहीं है, थैलेमाइड बन चुका है। जी,
अब ये जो थैलेमाइड बन चुका है, ये देखिए CONH2 अब बॉन्ड है CONH2 थैलेमाइड बन चुका है। अब इस थैलेमाइड का ना प्रबल तापन करा देंगे आप, प्रबल तापन, फिर से आप इसको अच्छे से हीट करेंगे तो प्रबल तापन करने पर भैया अमोनिया का छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा CO और CO बॉन्ड NH, जी हाँ इतना बन जाएगा। इसका नाम है भैया थैलेमाइड, इसलिए इससे आप एमाइन बनाते हो। इस क्रिया को पूरा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो थैलेमाइड बन चुका है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण लगाने वाले हैं आप। अब ये जो थैलेमाइड बना है भैया, थैलेमाइड जी हाँ, बहुत सरल क्रिया है बट लॉन्ग जरूर है। लॉन्ग इस वजह से कि हमने थैलेमाइड बताया पहले, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट रिएक्शन को आप उठा सकते हैं। एग्जाम्स में जब आप लिखें तो आपको थैलेमाइड का सूत्र ध्यान रखना है और यहीं से क्रिया को उठा के ना आप जो है सीधे बता सकते हो। तो ये थैलेमाइड हो गया भैया, इसका क्या नाम है, थैलेमाइड नाम है, थैलेकम्ल से इसको आपने बनाया, थैलेमाइड इसका नाम है। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे भैया, तो पोटेशियम लवण बन जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम जुड़ जाएगा जाके, हाँ तो ये CO और बॉन्ड NH, H की जगह जुड़ जाएगा K, पोटेशियम लवण इसका बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्रिया कराइए आप एल्केल हैलाइड से, जी हाँ एल्केल हैलाइड में मान लीजिए आपने रिएक्शन कराई C2H5Br से, है ना, एथल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या अलग हो जाएगा भैया, KBr अलग हो जाएगा और एथल आपका यहाँ पर जाके थैलेमाइड से जुड़ जाएगा CO, CO बॉन्ड N, और नाइट्रोजन से भैया जुड़ जाएगा C2H5। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी एल्केल नाइट्रोजन से जुड़ता है उसमें N अक्षर लगा के उसको लिखते हैं, तो ये आपका N एथिल, एथिल जुड़ गया जाके, तो N एथिल, N एथिल थैलेमाइड हो गया ये, ठीक है, N एथिल N एथिल थैलेमाइड हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कर देना है आपको, जल अपघटन करा देना है, जी हाँ इसका जल अपघटन करा दीजिए। जब आप इसका जल अपघटन करा देंगे तो ये आपका जो थैलिक अम्ल है ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ये COOH अब बॉन्ड COOH थैलिक अम्ल अलग हो जाएगा, ठीक है, और कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा C2H5NH2 एथलामीन बन जाएगी। ये फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक अमाइंस आपकी बन गई है, जी हाँ। तो ये एलिफैटिक, शुद्ध एलिफैटिक प्राथमिक अमीन बनाने की सबसे अच्छी उत्तम विधि है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, थैलेमाइड, थैलेमाइड बना लेते हो पहले, और थैलेमाइड पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया करा देते हो, फिर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया यानी एल्केल हैलाइड की क्रिया कराते हो, तो N एल्केल थैलेमाइड बन जाता है और उसका जल अपघटन करा देते हैं तो भैया थैलेक अम्ल आपको प्राप्त होता है और एलिफैटिक फर्स्ट डिग्री यानी प्राथमिक अमीन्स आपको प्राप्त होती है। तो आप एमाइंस को बना सकते हैं नाइट्रो यौगिकों से, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो बेंजीन के रिडक्शन से बना सकते हैं, साइनाइड या आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बना सकते हो, ठीक है, एमाइडों के रिडक्शन से बना सकते हो, एमाइडों से हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से बना सकते हो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलिफैटिक फर्स्ट डिग्री एमाइंस की शुद्ध फॉर्म बनाने के लिए, अति शुद्ध मात्रा बनाने के लिए आप गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट रिएक्शन थी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, इससे आपकी एलिफैटिक फर्स्ट डिग्री अमीन शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है इसलिए कुछ विधियां और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमाइंस एक छोटा सा बहुत ही प्यारा
टॉपिक था, है ना। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एसडी केमिस्ट्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। Anybody out there, yeah.